गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब वही डेली का रूटीन, नाइट ड्यूटी शुरू। तो अब मैं उठूँगी, टाइम बजे हैं 6:40। तो गाइस मेरा टाइम है ड्यूटी जाने का 8 PM। तो अभी मैं बनाऊँगी डिनर अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तो मैंने बना लिया है चूड़ा, अब चलेंगे किचन के पास। नींद अच्छी आती है। तो मैं बनाऊंगी भिंडी, क्योंकि मैं काट के ही सोई थी। तो चलिए, एक तरफ चाय, क्योंकि शाम को चाय भी चाहिए, और एक तरफ भिंडी। तो हम बनाने जा रहे भिंडी, एक तरफ भिंडी बनाऊंगी तब चाय की, शाम को चाय भी बहुत ज़रूरी है, एनर्जी आती है, सुस्ती सी हट जाती है। चाय बनाने के बाद एक तरफ मेरी चाय बनेगी गाइस, और एक तरफ सब्जी मतलब भिंडी जो बनेगी। फिर चाय पीने के बाद आटा गूंथूंगी, बस फिर आटा, फिर हो जाऊंगी रेडी। 8 मतलब मुझे 8 बजे वहाँ पर पंच करना है, तो मैं 7:30 तक घर से निकलती हूँ। आधे घंटे में पहुँच जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर ही घर से नहीं है मेरा हॉस्पिटल, और बस ऐसे होगा 5-4.5 मीटर दूरी पर। तो चलिए तैयार करते हैं। मैं करूँगी गैस ऑन, अपना फ्राई पैन सॉस, पैन सॉस रख दिया, ये गर्म हो जाएगा। तो मैं इसमें तेल में ऑयल डाल दें, तब तक ऑयल गर्म होगा, तब तक हम ये सब सारी रेडी करेंगे, तब तक उसका मसाला निकाल लेंगे। अब डालेंगे जीरा, जीरा हो चुका है, तो अब डालेंगे खाना। गए कितना डिफिकल्टी होता है ड्यूटी पे जाओ, खाना बनाओ, और ये सब शादी के बाद भी थोड़ा डिफिकल्टी लगता है। शादी के बाद तो हमें मम्मी बना के दे देती थी, और हमारा क्या था, बस रेडी हो और चलते बोलो। शादी से पहले की लाइफ कुछ और ही होती है, मम्मी हमारी नाश्ता और लंच डिनर अपने यहाँ पे मतलब हमें बना बनाया मिल जाता था मम्मी के हाथ से। तो बस हमें ये करता था, बहुत ज़्यादा रेस्ट भी मिलता था और टाइम से चले जाते थे, ये अलग ही वो अलग ही दुनिया है। और शादी के बाद हमें खुद करना पड़ता है, तो कम टाइम भी मिलता है सोने के लिए। पहले तो ये था कि 5-6 घंटे प्रॉपर सो जाती थी, अब तो 2-3 घंटे में फिर सोती हूँ। मैं सोई थी 2 बजे, अब उठी।
दो ढाई बजे मैं सोने गई हूँ और उठ गई 6:10 पर। जब तक हमारा प्याज होगा तब तक मैं दूसरी गैस पे क्या करूँगी, चाय का पानी रखूँगी। इसमें थोड़ा पानी पीने के लिए भी मैं रखूँगी, मुझे थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना पसंद है। मैं शुरू से सर्दी हो चाहे गर्मी में गुनगुना पानी ही पीती हूँ। ये भिंडी है हमारा कटा हुआ, प्याज को हम पूरा नहीं भूनेंगे क्योंकि प्याज हमारा जैसे भिंडी बन जब भिंडी हम डालते हैं उसके साथ भी फ्राई हो जाती है तो फिर जल जाती है, वो अच्छे नहीं लगता, काली काली जल जाए, तो इसलिए प्याज को थोड़ा पिंक होने तक ही हम भूनेंगे, फिर उसके अंदर भिंडी डाल देंगे। तब तक मैं अपने लिए पानी गुनगुना हो गया होगा मेरा पानी, पानी ले लेंगे। ये भी चल रहा तो पानी ये देखिए इस तरह से बस प्याज इतना भूनना है। अब इसमें डाल देंगे हम ये कटा हुआ भिंडी। भिंडी में हम डालेंगे सारे मसाले, नमक, मैं तो चटपटा खाती हूँ, चटपटा आ जाता नमक, तो आपके अनुसार है कि आप कैसे खाते हो। थोड़ा रेड मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, सॉरी धनिया, और थोड़ा सा ये चंकी चाट मसाला थोड़ा, बस। अब इनको हम अच्छे से मिलाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरी भिंडी को चला लिया है, मिक्स कर दिया अच्छे से। देखिए इसे सेम आँच पे कर दें कि भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है और सेम आँच पे बहुत अच्छी बनती है। तेज करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जल्दी जल्दी में जल जाएगी, सूखी सूखी सी बकवास। तो सेम पे ही ऐसी सब्जी बनती है। तो सेम फ्लो हमने कर दिया है और मेरी चाय पक चुकी है। इसमें दूध डालना है, दूध रखा है फ्रिज में, मैं लेकर आती हूँ। गैस गर्मी आ चुकी है तो दूध जल्दी ख़राब होने के वो चांस हो जाते हैं, तो इसीलिए। तो देखिए सिम आंच पे मैंने रख दी भिंडी, भिंडी को कर देंगे कैप। ये लीजिए कर दी भिंडी को पहले कैप पे, और अब इसमें लाती मैं दूध। अब मैं डालूंगी दूध, चाय मेरी गर्म होगी तब तो मैं आटे पे की गई। चाय आराम से बैठ के कभी 10-15 मिनट पियो तो लगता है कि हाँ चाय पिए। अब जल्दी चाय पियो जल्दी में तो ना पता भी चलता है चाय पी है और ना मज़ा आता हो, चाय पीने का असली मज़ा तो धीरे धीरे करके पियो अलग ही लगता है।
तो तब तक मेरा चाय उबलती है, उबाल आता है, पकेगी, तब तक मैं अपना आटा छानूंगी, गूंदूंगी, तब मैं आराम से रिलैक्स होकर चाय पीऊंगी। तब तक चाय हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, जो बनने वाली बस 5 मिनट और बचे। चाय मेरी बन गई है, आटा मेरा इधर गूंथ रहा है, तो देख रहे ना कितना स्ट्रगल करते हैं हम लोग। अब आटा गूंथने के बाद मैं पीऊंगी गर्म गर्म चाय। तो बन चुकी है चाय, अब मैं चाय पी रही हूँ, चाय के साथ 50-50 बिस्किट। तो बने रहेगा गाइस ब्लॉग में। गाइस मैं कर रही हूँ अपने लिए खाना पैक। मैंने इसमें थोड़ा 2 रोटी एक्स्ट्रा रखी है, क्योंकि ना स्टाफ, 2 स्टाफ ना हॉस्टल से आते हैं, वो खाना नहीं लेकर आते हैं, और मैं घर का खाना बहुत पसंद, तो मैं 2 रोटी उसके लिए लेके जा रही हूँ। तो और अपनी भिंडी में खाना पैक करूँ, इस छोटे से मतलब क्यूट से टिफ़िन है, इसमें मैं करूँगी, और ये मुझे बहुत पसंद टिफ़िन, छोटा सा बस, लेकिन इसमें काफ़ी भिंडी आ जाएगी। तो गाइस ये होता है हमारा डेली रूटीन का, मतलब दिल्ली में ना लोग जैसे कि, मतलब दिल्ली ना तेज रफ्तार से भाग रही है, चल रही है, ऐसे हमें कि हम भाग रहे हैं, चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, ऐसी लाइफ चलती है। तो बस पूछो मत, कभी कभी मैं भी सोचती कि थोड़ा दिल्ली भी रुक जाए, शांत हो जाए, और 5-6 दिन के लिए रेस्ट रोज मिले हमें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है ना। ऐसा मुमकिन होने लगे तो फिर तो मजा ही ना आ जाए लाइफ के। मैंने अपना लंच पैक कर लिया है, डिनर पैक करके रख लिया है, अब मैं होने जाऊंगी रेडी। थोड़ा क्या है कि रेडी होने में 5 मिनट लगे प्रेस आयरन करने कपड़े पर, और बस 2 मिनट में रेडी हुई। तो बने रहेगा ब्लॉग में। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, मैं लगा रही हूँ फेस पे ये मॉइस्चराइज़र, ये ग्लोइंग स्किन करता है। फोक्सटेल का SPF, अब बनाने हैं बाल। मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से रेडी, बस गाइज ऐसे जाती हूँ, और देखिए फेस, तो लाइट लिपस्टिक, और थोड़ा जोड़ा ही बनाया, क्योंकि जोड़ा ही बनाना पड़ता है प्रॉपर, हमें वहाँ पर नेट लगाना पड़ता है। अब निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल जाके मैं आपको फिर से ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने पंच किया ये क्या, लेट पहुँचती हूँ, जल्दी पहुँचती हूँ, बस मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी, हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं तो वो जल्दी मुझे छोड़ देंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल, और 5 मिनट अभी 5 मिनट बाकी है 8 बजने में, तो मैं टाइम से पहुँच गई, हस्बैंड ने सिर्फ 8 मिनट में मुझे छोड़ दिया। पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल, करूँगी अपंच। हो गया मेरा पहुँच। मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि मैंने सीढ़ियों से ही, स्टेयर से ही जाना पसंद करती हूँ, मैं लिफ्ट यूज़ नहीं करती। सेकेंड फ्लोर है मेरा वार्ड, मुझे ऐसे भी लिफ्ट से जाना पसंद नहीं है गाइस। ये पहुंच चुकी हूँ मैं अपनी वार्ड, रेडी पहन ली है मैंने यूनिफॉर्म, अपने लगा है नेट लगाना बाकी रह गया। तो इस तरह से हमारा ये होता है,
तो गैस अभी हम इन्वेंट्री लेंगे। इन्वेंट्री हमारा डेली रूटीन होता है, क्योंकि इन्वेंट्री अगर कम मिला तो हम पे बात आती है, तो इसलिए हमें पूरा चेक करना है कि क्या कम है क्या नहीं कम है, तो हम इवनिंग वाले को बताएंगे, तो वो मंगवा के स्टॉक में रखेंगे। तो गैस बने रहेगा ब्लॉग में। तो गैस पेशेंट आया है एडमिशन, अभी मैं पेशेंट का एडमिशन ले जा रही हूँ। तो पेशेंट का सारा हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट, ये सब हिस्ट्री हमें लेना होता है, और फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करूँगी मैं। तो चलिए मैं पेशेंट की हिस्ट्री लेने जा रही हूँ, मिलती हूँ बाद में ब्लॉग में। गाइस मॉर्निंग हो गई है, छुट्टी हो जाए जल्दी चले घर, क्योंकि सबको लगता ना कि नाइट ख़त्म और जल्दी से जाओ। तो कुछ काम है जो सिस्टम है मुझे करना है, ये मेरा सिस्टम है और इस सिस्टम पर मुझे अपना बाकी का वर्क करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं हमारा कुछ भी जो भी मतलब स्टॉक होता है और पेशेंट का कोई भी मतलब बाहर का जो भी मतलब जिसकी मेडिसिन है और हम पेशेंट के हमारी फार्मेसी पे नहीं है जो भी, तो हम यहाँ से स्टॉक से देते हैं और वो हमें स्टॉक कंप्लीट करना होता है। कि मॉर्निंग वाले भी आकर इन्वेंट्री चेक करेंगे, जैसे कि रात को हमें पूरा सामान मिला है तो उनको भी पूरा सामान मिलना है, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो अपने सिस्टम पे अपना सारा सामान जो जो यूज़ किया पेशेंट के लिए, जिसकी आई वी सेट, नेडल और आर एल आई वी सेट तो मैंने बोल दिया, और क्या किया था, सिरिंज यूज़ किया था 5 ml, 10 ml, 2 ml एंड 1 ml, ये सब चीज़ें मैं अपने स्टॉक के लिए पूरा कंप्लीट करने के लिए सिस्टम पे मांगूँगी। तो ये मैं खोलूँगी अपनी आईडी। सिरिंज वार्ड, वार्ड है, पेशेंट का नाम है बुसरा और इसका हम आईपीयू वार्ड में जाके स्टॉक कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस में देखिए मैंने कैनोला मंगाया क्या, इस तरह से हम अपना स्टोर पूरा करने की, ताकि वही बात है ना, जैसे कि हमारा ये डेली का रूटीन होता है, इवनिंग और मॉर्निंग और नाइट शिफ्ट हो, हमें पूरा स्टॉक कंप्लीट रखना ताकि हमें दिक्कत ना हो, इवनिंग वालों को नाइट वालों से मतलब दिक्कत ना हो, नाइट वालों को इवनिंग में दिक्कत ना हो कि उनका कंप्लीट था कि नहीं था। तो ये सब सामान हमें प्रॉपर मंगवा के रखना चाहिए टाइम पे, और ये सारा सामान सजेस्ट से मतलब हमारा स्टाफ जो नर्सिंग गेट है वो लेकर आएंगे और वो अपनी जगह पर उनको रख देंगे। तो ये मैंने पेशेंट को इंसुलिन दिया था, तो मुझे इंसुलिन सिरिंज में मंगवानी है। तो गाइस देखा सिस्टम पे बैठ के काम करते रहो अलग ही।
और क्वांटिटी कम, अच्छा मिनिस्ट्रियस सिंच टनल की वन सिंच फाइव टनल की वन आरबी तो गाइस इस तरह से हमारा काम मतलब पूरा हो चुका है। इन्वेंट्री वगैरह मैंने कंप्लीट करके रख दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बस आने का वेट है कि मॉर्निंग वाले जल्दी आए और ओवर ले फिर हम चले। तो गाइस ये होती है नाइट ड्यूटी, पूरी 12 आवर्स की शिफ्ट होती है। चलिए कितने बज गए हैं, 7:10 हो चुके हैं, तो 7:30 मॉर्निंग का टाइम है हमारा। 7:30 पे पूरा स्टाफ आ जाएगा इन्वेंटरी चेक करके, फिर ओवर स्टार्ट होगा। चलिए बनी रहे आप लोग में। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर, नाइट ड्यूटी अच्छी रही मेरी और आज लास्ट नाइट ड्यूटी है। अभी मैं जाऊँगी, फ्रेश होती हूँ, नहाऊँगी धोऊँगी और मैं सोऊँगी, अभी कुछ नहीं करना, बहुत थक गई हूँ गाइस। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलूँगी और तब तक के लिए बाय बाय। हाँ एक बात और जरूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।